Hey guys, welcome back to Jobs Now channel. So in this video, we will be discussing कि आपकी जो JSA and Patwari and other posts की exam की answer की है, वो कब आने वाली? जैसे आपको पता है कि examination start हुए थे आपके 5 तारीख से and last जो examination date थी वो 12 तारीख थी. Then उसके बाद आपको बहुत सारे doubts हैं कि आपकी answer की कब release होगी, आपका score card कब आएगा, आपके लिए जो shortlisting होती है stage 2 के लिए वो कब होगी. तो सारी video तो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए. एंड अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन बाय विच यू कैन रिसीव द एवरी अपडेट एज सून एज वी अपलोड एनी वीडियो. एंड सेकेंड चीज दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सारी चीजें कब होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है DDA का, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अदर कैंडिडेट्स के साथ आप बातें कर सकते हैं अपने रिगार्डिंग कैंडिडेचर या फिर पेपर या फिर शॉर्टलिस्टिंग या फिर स्टेज 2 के बारे में जो भी हो. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एंड देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर. देखिए सबसे पहली चीज आपके लिए यहाँ पे 3 नए नोटिफिकेशन ऐड हुए हैं, आपको ध्यान रखना है. देखिए फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट हु सीक एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द टाइपराइटिंग टेस्ट रिगार्डिंग. देखिए जिन पोस्ट के अंदर आपका जो होता है यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, अगर आपको उससे बचना है यानी कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म डाउनलोड होगा, आपको उसको फिल करना है, ठीक है. एंड उस पे फिल करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जब आपकी टाइपराइटिंग टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप उससे बच जाएंगे, ठीक है. अंडरटेकिंग के लिए भी एक सर्टिफिकेट है फॉर द एक्स सर्विसमैन. जिन कैंडिडेट का कोटा एक्स सर्विसमैन से है यानी कि जो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आर्म फोर्सेज से है, उन सभी के लिए ये है, उनको अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो इस कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर एक और है, जिन बच्चों ने EWS के अंडर अप्लाई करा है उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था. देखिए सबसे पहली चीज जो आपको सबसे बड़ा डाउट है कि इजी पेपर था, हार्ड था, मॉडरेट था, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डीडीए देखिए ये कहा गया है DDA ने, चलिए DDA के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे चलते हैं, उन्होंने खुद ही कहा है कि सारे पेपर जो ने बनाए थे वो मॉडरेट बनाए थे. अगर किसी केस में डिफरेंट शिफ्ट है और एग्जाम का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो हार्ड लेवल शिफ्ट के अकॉर्डिंग फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी एंड पोस्ट वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे. नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, सारी चीजें आपको मिलेंगी. बट लेकिन अच्छा नॉर्मलाइजेशन पाने के लिए आपकी एग्जाम में एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. ये चीज हो गई, सारे पेपरों ने मॉडरेट लेवल बनाए हैं, कोई इजी नहीं बनाया, कोई टफ नहीं बनाया, अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, अकॉर्डिंग टू DDA. चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे ट्वीट्स पे, तो यहाँ पे कुछ ट्वीट्स हैं जो कि DDA के थ्रू करे गए हैं. यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्ट ट्वीट्स, तो यहाँ पर देखिए हम DDA की वेबसाइट पर हैं, यहाँ पर हम कुछ चीजें चेक कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर बच्चों ने पूछा था कि स्टेज 2 कब होगा, तो यहाँ पर DDA के लिए कोई भी डेट अभी स्टेज 2 के लिए नहीं डिसाइड करी गई है, जब भी डिसाइड करी जाएंगी वो DDA की वेबसाइट पर वेल इन एडवांस आपको बताई जाएंगी. सबसे पहली चीज ये हो गई, ठीक है. अब दोस्तों नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर टेंटेटिव आंसर की बोला है आपने, टेंटेटिव आंसर की फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन फॉर JSA is likely to be released by next week. यानी कि आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल श्योर है कि टिल 20 आपको पटवारी, टिल 20 आपको पटवारी JSA और भी जितने भी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए हैं इन दिस DDA वैकेंसी, आप सबकी आंसर की 20 तारीख से पहले पहले 18 तक भी रिलीज हो सकती है. आजकल में कभी भी 20 तारीख से पहले पहले 20 तारीख से डिले नहीं होगा, आप सभी की आंसर की अपलोड हो जाएगी. लेकिन देखिए अगर आपको एक चीज डाउट है कि स्कोर कार्ड साथ में रिलीज नहीं होता आंसर के, सबसे पहले आपकी आंसर की रिलीज होगी, देन आपको सबमिशन के लिए यानी कि अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है, आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं उनकी आंसर की को या फिर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है,
तो उसके लिए आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा, यानी कि अराउंड 25 से 26, 5 से 6 दिन मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपने आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज है, जैसे कि आपको सबमिशन करना है या फिर आपको अपना कोई भी आंसर उनका गलत बताना है, तो आप वो चीजें फॉर्मेलिटीज कर पाएंगे एंड उसके लिए आपको वेल इन एडवांस वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। देन इन दिसंबर, इन अर्ली दिसंबर और मिड ऑफ दिसंबर आपका जो जेएसए पटवारी है और अन्य पोस्टों का आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन आपका जो नेक्स्ट स्टेजेस है वो अराउंड एंड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी के स्टार्टिंग में शेड्यूल होंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल बाय विच एवरीवन कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।